Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Yes, I'm also fine. Today, I'm going to give you a lecture of the chapter, the environment. Okay, so first of all, we have to discuss that what is the meaning of the environment. Environment means hamare ird gird ka mahol. Let's recall a point that we have already learned before. We must look after the earth and its resources. हमें अपनी अर्थ अपनी दुनिया को साफ सुथरा रखना चाहिए और उसमें मौजूद चीज़ों को भी. Let's study some key points that what we are going to learn in this chapter. Our environment is all that is around us. हमारा environment क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है. We need to keep our environment clean. हमें अपने environment को अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है. We must not waste natural resources. We should try to conserve them. हमें अल्लाह ताला की दी हुई natural चीज़ों को waste नहीं करना है, संभाल के रखना है, साफ रखना है. और environment includes natural and man-made things. हमारे environment में कुछ चीज़ें natural हैं और कुछ चीज़ें man-made. मतलब कुछ अल्लाह की दी हुई हैं, अल्लाह की बनाई हुई हैं और कुछ इंसानों की बनाई हुई हैं. We can help to improve our environment by reducing our use of things and reusing or recycling them. हम अपने environment में मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आवर एनवायरनमेंट इज ऑल दैट इज अराउंड अस. इट इज मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स एज वेल एज नेचुरल थिंग्स. हमारा एनवायरनमेंट क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है. उसमें मैन मेड चीज़ें भी हैं और नेचुरल चीज़ें भी हैं, मतलब इंसानों की बनाई हुई भी हैं और अल्लाह की बनाई हुई भी हैं. द लैंड एंड द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रिवर्स, हिल्स एंड प्लेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन द एयर ऑल फॉर्म आवर एनवायरनमेंट. बिल्डिंग्स जो हमारे आसपास हैं, रोड्स जो हमारे पास हैं, रिवर जो हमारे पास हैं, हिल, प्लेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, एवरीथिंग, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हैं. We can live a happy and healthy life in a clean environment. हम एक अच्छी खुशियों से भरी और हेल्दी लाइफ ले सकते हैं अगर हमारा environment clean है. Discuss and answer. What natural and man-made things can you see in this picture? यहाँ पे आपको बुक में एक पिक्चर दी गई है. आपने बताना है कि इसमें से natural चीज़ें क्या और man-made. Tree natural है, grass natural है, flowers natural है, डॉग नेचुरल हैं, ह्यूमंस नेचुरल हैं बिकॉज अल्लाह ने बनाए हैं, बिल्डिंग्स, बसेस, कार्स, रोड्स, दे आर मैन मेड, स्काई क्लाउड्स आर नेचुरल क्योंकि अल्लाह ने बनाए हैं. लेट्स टर्न द पेज. इट वॉज पेज नंबर 77. वी आर मूविंग टूवर्ड पेज नंबर 78. सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव टॉपिक प्रोटेक्टिंग एनिमल्स. अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए हमें अपने एनिमल्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है. Some animals are in great danger of becoming extinct. This means that soon there will be none of them left in the world. We have to protect these animals. Can you think of ways in which we can save these animals? Animals जो हैं वो दुनिया में कम होते जा रहे हैं. ऐसा ना हो कि एक दिन सभी ख़त्म हो जाएं. हमें उन्हें सेव करना चाहिए. Tiger, panda, rhinoceros. The 3 RS. We can keep our environment clean by reducing waste, reusing old things and making new things out of old ones or recycling. So remember the 3 RS. हमें अगर हम चाहते हैं कि हम अपने environment की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमें 3 RS याद रखने हैं. 3 RS कौन कौन से हैं? Reduce, recycling and reusing. Okay? So number 1, reduce. If we reduce the number of things we buy and use, we will have less to throw away. अगर हम कम चीज़ खरीदेंगे तो हमें कम ही चीज़ फेंकनी होगी. उसका कचरा हमें, उसका वेस्टेज हमें कम ही फेंकना होगा. Suggestions: Do not buy things you do not need. Use cloth instead of paper or napkins.
And to clean things, avoid disposable items. Buy things that will last for a long time. आप चीज़ों को कम किस तरह से ले सकते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको बाय मत करें. आप नैपकिन और पेपर के बजाय क्लॉथ यूज़ करें क्योंकि वो वॉश हो जाएगा, वो रीयूज़ हो जाएगा. ठीक है, डिस्पोजेबल आइटम्स ना लें क्योंकि आप अगर डिस्पोजेबल आइटम लेंगे आप यूज़ करके उसको थ्रो कर देंगे, वेस्ट कर देंगे और दुनिया में कचरा बढ़ता चला जाएगा. ऐसी चीज़ खरीदें जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास चले. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 79, रीयूज. कीप यूजिंग द सेम थिंग्स एज मैनी थिंग्स एज वी कैन. सजेशंस, यूज ओल्ड जार्स एंड पॉट्स टू स्टोर थिंग्स. Use waste paper to make notes and then send it to a recycling center. Make compost with vegetable waste and garden waste. Use rechargeable batteries to not old equipment to charities. Donate old equipment to charities or other organizations. अच्छा, reuse कैसे कर सकते हैं आप चीज़ों को? आपने पुराने jars, pots use करने हैं चीज़ों को store करने के लिए. आपने वेस्ट पेपर को यूज़ करना है नोट्स बनाने के लिए या फिर आप उसे रिसाइकलिंग सेंटर भेज दें. ठीक है, अब आपके वेजिटेबल का जो भी वेस्ट है, गार्डन का जो भी वेस्ट है, वो आपने खाद के तौर पे इस्तेमाल करना है अपने प्लांट्स के लिए. अच्छा, अपने मोबाइल्स या दूसरी चीज़ों के लिए आपने रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करनी है. और जो भी चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उससे डोनेट कर देंगे, जिन्हें नीड है उन्हें दे देंगे. Recycle. Find new ways to use old things. Suggestions. Find out about recycling and recycle as much as possible. Buy products made from recycled items. Buy items made of recyclable materials such as products in glass jars rather than non-recyclable materials. अच्छा, अब आपने क्या करना है कि चीज़ों को recycle करना है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनानी है या फिर ऐसी चीज़ खरीदनी है जिस जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, पुरानी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनी हो. ठीक है, लुकिंग आफ्टर आर नेचुरल रिसोर्सेज. जो अल्लाह ने हमें चीज़ें दी हैं उसे हमें जो है वो उसका हमें ख्याल रखना है. यू हैव लर्न्ड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस यूनिट्स. आपने यकीनन पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा. Discuss an answer. Talk about the ways in which we use natural resources such as wood, water and land. Make a class list and add any other natural resources you can think of and how we use items. Some clues are given below. अच्छा, आपने जो है देखा होगा कि जैसे wood है, लकड़ी है, पानी है, land है, ज़मीन है, तो ये सब natural चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं ना. तो आप इन चीज़ों की लिस्ट भी बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी और कौन सी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं. तो वो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा अबाउट नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. फॉर एग्जांपल, फिश, वाटर इज नेचुरल, दिस वन इज़ मैनमेड, नेचुरल, मैनमेड, मैनमेड, मैनमेड. फायर जो है ये भी मैनमेड है. Forests are one of the most. अच्छा, फायर को हम ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल है, लेकिन जलाते उसे है, बनाई तो वो अल्लाह नहीं है, लेकिन उसे जलाने के लिए कोशिश तो इंसान ही करता है ना. लकड़ियाँ जिससे वो बन फायर होती है वो नेचुरल है, वो अल्लाह ने दी है हमें. Forests are one of the most common and important natural resources on earth. A forest is a land area that has many trees. Forest अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है और बहुत कॉमन है. फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं. सारे ट्रीज़ अल्लाह ने बनाए हैं. क्लाउड्स अल्लाह ने बनाए, स्काई अल्लाह ने बनाया है, सन अल्लाह ने बनाया है. ट्रीज़ प्रोड्यूस फ्रूट विच वी ईट एंड ऑक्सीजन वी ब्रेथ. ट्रीज़ क्या करते हैं? फ्रूट देते हैं हमें और ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमें जिससे हम सांस लेते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक होम्स. एनिमल्स एंड बर्ड्स उस पर अपने अपने घर बनाते हैं. रूट्स कीप द ग्राउंड मॉइस्ट. रूट्स से कैसे क्या होता है? ग्राउंड मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है थोड़ा. वी गेट
wood from forests, which is used to make paper, furniture, and homes. The trees produce oxygen that all living things need. Forests are home to many animals and plants. हम फॉरेस्ट से वुड लेते हैं जिससे हम पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, होम अपना घर बनाते हैं. ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सांस लेते हैं. फॉरेस्ट में जो है वो होम होता है बहुत सारे एनिमल्स का, ठीक है. समटाइम्स फॉरेस्ट और वाइड एरियाज ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, दिस इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन. पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसे कट कर दिया जाता है, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया डीफॉरेस्टेशन, ठीक है. दिस वर्ड इज़ यूज फॉर दैट. डीफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. एनिमल होम्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इट, द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो. डीफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है इंसानों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि एनिमल्स का घर उन इस वजह से टूट जाता है और ग्राउंड जो है वो ड्राई हो जाता है और कुछ भी वहाँ ग्रो नहीं करता. इन द पास्ट पाकिस्तान हैड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. ओवर टाइम मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज वर चॉप्ड डाउन फॉर यूज एज फ्यूल, एज बिल्डिंग मटीरियल्स एंड इन मैनी अदर वेज. ट्रीज वर ऑल्सो क्रिएटेड अ वे टू मेक वे फॉर फार्मिंग और बिल्डिंग्स. डीफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज टुडे एंड इट कॉजेज बिग प्रॉब्लम्स. पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे पर अब नहीं रहे. क्यों? क्योंकि सब उसको कट कर देते हैं. क्यों कट कर देते हैं? क्योंकि हमें मटीरियल चाहिए अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए, ठीक है ना. ट्रीज को जो है वो ख़त्म किया गया है वहाँ फार्मिंग और बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए, सही है ना. अगर डीफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रही, ऐसे ही चलता रहा, तो यकीनन एक दिन बहुत प्रॉब्लम होगी हम सबको. डू यू नो इन 2018 पाकिस्तान प्लैश्ड टू प्लांट 1.4 मिलियन ट्रीज. बाय ऑगस्ट 2019 ट्रीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, सो वी नीड टू कीप प्लांटिंग मोर ऑफ देम. पहले हमारे पास इतने सारे प्लांट्स होते थे, ट्रीज होते थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, तो हमें बहुत ज़रूरत है प्लांट्स जो है वो मज़ीद ग्रो करने की, मज़ीद ट्रीज बनाने की. द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डीफॉरेस्टेशन इज शोन इन द पिक्चर बिलो, टॉक अबाउट इट. डीफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? एयर क्वालिटी इज पुअर, हवा की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, बहुत पुअर हो गई है. The ground becomes dry and nothing can grow. It can turn into a desert. Ground dry हो गया है और कुछ भी grow नहीं कर रहा और ये एक desert की तरह बन गया है. देखिए यहाँ पे, सही देखें, animals के skeletons हैं, animals भी मर गए हैं इसी वजह से. Ways to reduce reforestation. हम reforestation को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? Plant more trees. Do not waste paper. Paper को waste मत करें. बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं. रीसाइकिल एंड बाय रीसाइकल्ड प्रोडक्ट्स. चीज़ों को रीसाइकिल करें, मतलब कि उससे नई चीज़ क्रिएट करें और ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि पुरानी चीज़ों से बनी हुई हैं. अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज़. ट्रीज़ को कट करना छोड़ दें. बाय वुड फ्रॉम कंपनीज दैट हैव फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज सच एज रिप्लेसिंग द ट्रीज़ दे कट डाउन. वहाँ से वुड खरीदें जो लोग ये बात कहें आपसे कि हमने अगर फॉरेस्ट कट करके वुड लिया है तो हमने दोबारा से मोर जो है वो प्लांट किए हैं ट्रीज. सो यस, दिस वाज आवर चैप्टर. होप यू लाइक इट. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज़.